दोस्तों मेरी कहानी चल रही है। कैसा था बचपन मेरा, कहाँ मैं पैदा हुआ था, कैसे ये सारी स्किल्स मैंने सीखी होगी। मैं झाबुआ जिले के एक गांव में कठीवाड़ा में पैदा हुआ। बड़े कमाल कमाल के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। कठीवाड़ा को वहां झाबुआ का कश्मीर बोलते थे, पर वहां पे इतना जंगल था कि दिन में भी बहुत कम रोशनी दिखाई देती थी। इतना अंधेरा भी हो जाता था जब बस वस से कभी दिन में एक दो बसें जो चल रही है वो गुजर रही है तो ऐसा लगता था जैसे अंधेरा हो रहा है। उतना जंगल था वहाँ पे। वहाँ पे काजू उगता था, झरने वरने थे, झाबुआ का कश्मीर वगैरह बोलते थे, लेकिन आदिवासियों का वो गाँव था। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, तृतीय श्रेणी के अधिकारी रहे होंगे। तो वो कठीवाड़ा में थे तब मैं पैदा हुआ। वहाँ पैदा हुआ उसी आदिवासी माहौल में, उस जंगल में मैं पला बड़ा। आदिवासी बच्चों के स्कूल में मैं पढ़ता था, उनके साथ खेलता था। और कहते हैं ना कि 4 साल की उम्र तक आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, तो मेरी पर्सनालिटी ने वो चीज़ें वहाँ महसूस कर ली थी। वो खुली दुनिया, वो जंगल, वो सब कुछ रॉ, एक बार अगर कोई चख ले तो फिर उसका नशा जाता नहीं। तो जब मैं वापस गोवा में अभी आके सेटल हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी निगाहें, दिमाग तो उतना समझता नहीं होगा, लेकिन अंदर से मेरी सेंसेस उस चीज़ को जैसे ढूंढ रही हो। अब मैं गोवा में जब रहता हूँ तो यहाँ उतना ही जंगल है, यहाँ पे भी वही काजू के पेड़ है, वही पहाड़ झरने सब कुछ है। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा हो कि मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों वहाँ मैं रहता था और आदिवासी बच्चों के साथ वो टायर दौड़ाना, कोई खिलौने, वैसे वाले खिलौने हमने कभी नहीं खेले जिसमें हम पता चल रहा है कोई गेम का बक्सा खोल रहे हैं। हम तो बस धूल मिट्टी, नदी पानी, पहाड़, टायर, जो मिले उससे खेलते थे। दिन भर में मालूम नहीं पड़ता था कि कहाँ बोर वोर हो रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं। खाना खाने के लिए, स्कूल जाने के लिए घर आते थे और वहां अपने मासूम खेल भी चल रहे हैं, और साथ में हम छोटे से बच्चे भले ही थे लेकिन एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी सेक्सुअलिटी को भी, है ना। छोटा सा बच्चा क्या खेलता है, तो वहाँ गाली गलौज, गंदे गंदे खेल, ये वो सब वो भी साथ में चल रहा था। मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी था कि मुझे मालूम है कि पिताजी, पूरी फैमिली बैठी होती थी रात को जब अंधेरा होता था, पीछे पहाड़ पे कहीं कोयले बन रहे हैं तो वहाँ आग लगी हुई है, ये कहानी सुना रहे हैं। कई धर्म की कहानियाँ होती थी, कई अच्छी आदर्शों की कहानियाँ होती थी। तो मेरे फादर ने हमेशा वो प्राइमरी ग्रेटनेस मेरे में डालने की पूरी कोशिश की, उसका असर भी हुआ। लेकिन साथ में दुनिया की तरफ से जो असर आना चाहिए वो भी ऐसे आ रहा था कि 6 साल की उम्र में मैं ऐसे ऐसे खेल खेलता था कि मेरा नाम गुंडा बाबा रख दिया गया। तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है। मैं खासतौर पे क्यों बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक नेचुरल एक्सप्लोरेशन होता है एक बच्चे का, उसको ऐसे जज किया जाता है कि वो गिल्ट में चला जाता है। इसी बात पे गौर करने के लिए मैं खासतौर पे ये कहानी में ये हिस्सा खासतौर से सुना रहा हूँ। तो आदिवासी स्कूल में मैं जाता हूँ, फर्स्ट क्लास में मैं वहीं पढ़ रहा था उसी स्कूल में। सेकंड क्लास ख़त्म होते होते मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे। तो एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने मुझे बस में बिठाया, मैं इस गांव में आया, एक अंकल के यहाँ ठहरा, मैंने एग्ज़ाम दी। अंकल की कोई बेटी बेटी थी तो वो 6 साल की उम्र में मेरे दिमाग में है, कहा यार इनकी एक बेटी है जिसका ये नाम है, मेरे दिमाग में था। फिर मैं आ गया, मुझे झाबुआ में एक कैथोलिक मिशन स्कूल में डाला गया। एक मतलब जैसे 4 बच्चों का परिवार है ना, 3 लड़के एक बड़ी दीदी हैं, तो सबसे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाते हैं। तो उन सबका यही मत था कि भाई इसको कुछ खास तरीके से तैयार करो। तो मुझे स्कूल भेज दिया गया मिशन स्कूल में। वो ऐसा नाजुक वक्त तो होता है कि वहाँ पे हर चीज़ आपको काफ़ी असर करती है। तो ईसा मसीह को मैं अपने दिल के काफ़ी करीब महसूस करने लगा था। बचपन में जो चीज़ आपके संपर्क में होती है आप उसको खास मानने लग जाते हो। और मुझे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं था, मैं होमवर्क शब्द समझता नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा और वो बार बार बोलते थे होमवर्क किया, होमवर्क किया। मुझे मालूम नहीं होमवर्क होता क्या है। तो मुझे ऐसा पता है कि जब मैं 3rd क्लास में एडमिट हुआ वहाँ पे, तो उस एडमिशन के बाद 3rd-4th महीने तक मुझे एक मैम थी वो ऐसी छड़ी से मारती थी कि
क्योंकि मुझे ये सब यहाँ के रीत रिवाज तौर तरीके कुछ मालूम नहीं थे, मैं तो आदिवासी स्कूल से आया था। धीरे धीरे वहाँ मैं कोशिश कर रहा था उनके साथ गति मिलाने की। और थर्ड क्लास की जब मेरी एग्ज़ाम हुई तो पहली बार मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दी थी और मेरे सामने एक पेपर आया, मैं और नहीं समझता था। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए और मैं आ गया घर। और मैंने अपनी क्लास में वहाँ टॉप रैंक किया। तो सब लोगों को एकदम पता लगा, भाई कौन है ये? मालूम पड़ा कि अच्छा ये लड़का। तो मुझे ऐसा याद है, फोर्थ क्लास की बात है, कि स्कूल के कुछ सीनियर बच्चों ने पूछा कि भाई तुम्हारे क्लास का रैंकर कौन है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, और मैं हमेशा ऐसे लो प्रोफाइल रहता था, मेरे कपड़े लत्ते, मेरा स्टाइल ऐसा अजीब सा रहता था। तो वो देख के कहने लगे कि बोले ये है तुम्हारा टॉपर? बोले तुम हमको बुद्धू बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? ऐसे में रहता था। अब फिफ्थ क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे पेपर में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन होने के बजाय मैं पीछे आ गया, सीधा नंबर 8 नंबर 9 कहीं तो हो गया होगा। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस से वो मेरे साथ हुआ। उस वक्त आपके लिए चीज़ें बड़ी बड़ी होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, थोड़ा फर्क पड़ता है। वैसे मैं थोड़ा लापरवाह सा तो था, लेकिन पढ़ाई के मामले में रेगुलर होने की वजह से और दिमाग थोड़ा चलता था, उस वजह से चीज़ें होती रहती थी। एक बार मैंने अपने पिताजी से जिद की कि भाई बहुत दूर है स्कूल, मेरे पैर दुखते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी से छोड़ो, सबके पापा छोड़ने आते हैं। एक छांटा पड़ा, मेरे पिताजी ने कभी मारा नहीं बच्चों को, लेकिन एक एक बार मारा है। उस एक ही दिन एक ही चांटे ने मुझे सब सिखा दिया। ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें खाता नहीं था, मैं मुझे लगता था कोई दो चार चीज़ें मुझे पसंद थी, जैसे तुअर की दाल होगी, एक आध कोई सब्जी, एक दो सब्जी होगी, एक आध कोई मिठाई होगी वो पसंद आती थी। तो कुछ खिलाने के लिए वो कह रहे थे कि खाओ खाओ चखो, मैंने नहीं मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा अभी एक चाटा लगाऊंगा, लो खाओ। मैं गुलाब जामुन नहीं खा रहा था उस वक्त, एक बार चखा मैंने। अब भी हालत ऐसी है कि वो सारी चीज़ें जिनको मैं नहीं खाने की बात करता था, अभी मैं उनको शौक से खाने के लिए मरा जाता। तो टेस्ट डेवलप करना होता, हर चीज़ में आपकी तैयारी हो रही होती है। और उस वक्त आप सोचते हो कि ये मामला तो लाइट है, बस इनके दिमाग में किताबें ठूसनी है और फिर ये एक इंसान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे पिताजी मेरे अंदर एक प्राइमरी ग्रेटनेस की तैयारी कर रहे थे। तो प्राइमरी ग्रेटनेस मतलब बच्चा है अभी, क्या इसको भरी भरी बातें समझा रहे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक्चुअली हुआ क्या कि मैं स्कूल से घर आ रहा था और अपना छाता लेके आ रहा था, और कोई लड़की होगी, मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 8-9 साल का रहा होगा, लड़की होगी 6-7 साल की, वो कह रही कि अरे मेरे को छाते में ले लो ना, मैं भीग जाऊँगी। मैं कहा हट, और मैं घर पहुँच गया। मेरे पिताजी ने कहीं देखा होगा तो वो बोले कि वो तेरे को कह रही थी कि छाते में ले ले, और तुझे उसको हाँ बोलना चाहिए था ना। तो क्या बचपन में हम कन्फ्यूज होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ हम मदद करेंगे तो हमारे बड़े लोग हमको शाबाशी देंगे, और कहाँ हम बच जाएंगे तो बड़े लोग हमको हिदायत देंगे, हम समझ नहीं पाते, वो कन्फ्यूज़न चलता रहता है। तो मेरे पिताजी ने वहाँ पे मुझे वो छोटी सी बात कही थी ना, वहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मदद करनी होती, हाथ बढ़ाना होता है। वो कहानियाँ सुनाते थे। खैर ये किस्सा अभी बड़े होकर जब मैंने सोचा तो मेरे को लगा कि मैं भी क्या गधा था, अभी कोई छाते मारने को कहे तो कौन मना करता है। तो वो किस्सा हुआ, उसके बाद में वो कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ जैसे राजा शिवी की कहानी मैंने सुनी थी कि एक कबूतर उनके गोद में आके बैठ गया, पीछे से एक बाज आ गया और वो कह रहा है कि मेरा खाना है। तो शिवी ने कहा कि नहीं ये तो मेरे पास आया, मैं बचाऊंगा इसको, आपको क्या चाहिए? तो बोले नहीं मेरा तो खाना है, मैं भूखा मर जाऊँगा। तो बोले मैं देता हूँ ना इसके वजन के बराबर काट के। तो हाथ काट के दिया, तो वो तो परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे तो हुआ नहीं। दूसरा हाथ काट के दिया तो भी नहीं हो रहा है वजन बराबर। तीसरा हाथ काट के दिया, पैर काट के दिया तो भी नहीं हो रहा है। चौथा पैर भी नहीं, वो पूरे चढ़ गए वो तराजू पे। तब वो देवता खुश हो गए कि बोले यार जो सुना था इस आदमी के बारे में वो सच निकला। तो ये जो कहानियाँ होती है ना, ये नाजुक मन को धीरे धीरे डाल रही होती है। ताकत दो तरह की होती है, एक ताकत होती है लड़ने की ताकत, एक ताकत होती है सहने की ताकत। तो लड़ने की ताकत मैंने ज़्यादा डेवलप नहीं की, लेकिन सहने की ताकत मैं डेवलप करता चला गया। अब पता नहीं इसके पीछे मेरा डरपोक होना, दब्बू होना कारण है, या फिर कोई और बात दिमाग में चल रही हो। हम खुद को देखते रहें और ईमानदारी से स्वीकार करें तो शायद पता लगेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है।
तो वो कहानियां वो सुनाते रहे। फिर हम 6th क्लास में मेरे फादर का प्रमोशन हो गया और हम एक और नए गांव पहुंच गए। गांव का नाम सुनेंगे आप, भगवानपुरा, मध्य प्रदेश में है, एमपी में, खरगोन जिले में। वहां मैं पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद क्या हो रहा था कि पहले तो हम अपनी घर की मालवी भाषा बोलते रहते थे। फिर वो पापा ऑफिसर हो गए, अधिकारी, तो फिर हमने तय किया कि नहीं भैया, हम हिंदी बोलेंगे। अब हमारा कुछ रुतबा बढ़ रहा है, हम एक बड़े ऑफिसर के बेटे हो रहे हैं। वहाँ क्वार्टर में गए, वहाँ पहली बार कहीं बाहर गार्डन वार्डन था, ये वो सब पहुँच गए। अब मैं वहाँ पे एक नाई की यहाँ कटिंग बनवा रहा था और वो नाई का बच्चा जो था वो मेरा क्लासमेट था। तो वो बच्चा पूछ रहा है अपने पिताजी से कि ये वीडियो साहब का बच्चा है, ऐसे सब गांव में जानते हैं कि हाँ ये वीडियो का बच्चा है, वीडियो साहब का बच्चा है। तो वो पूछ रहा है कि पापा ये वीडियो क्या होता है? तो बोले वीडियो मतलब बेटा 19 गांव का राजा। अब उस बच्चे को, उस नाई ने वो जो भी बात सुनाई होगी, मेरे दिमाग में वो घुस गई और हमको एकदम से लगने लगा कि हम स्पेशल हैं। वो 3-4 सालों में वो स्पेशल वाला मामला, खैर मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में तो कभी आया नहीं, लेकिन हम कुछ खास हैं इस तरह की बात दिमाग में कहीं ना कहीं घर करने लगी। मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, वहां पे एक मासूम सी लव स्टोरी जन्म ले रही थी। 6th क्लास में एक लड़की थी जिसको मैं देखता रहता था, वो मुझे देखती रहती थी, और मैं चूंकि इंटेलिजेंट था, टॉपर था, तो मुझे एक अलग तरह का रिस्पेक्ट मिलता था, तो एक अट्रैक्शन था। वो अट्रैक्शन अगले 4 सालों तक बना रहा, ना मैं उसको कुछ कह पाया, ना वो मुझे कुछ कह पाई। और वो स्टोरी ऐसा समझो कि शुरू भी नहीं हुई और खत्म हो गई, इस तरह का स्थिति बनी। तो वहाँ मेरी परवरिश हो रही थी। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे सरकारी स्कूल में मैं पढ़ रहा था। पहले मिडिल स्कूल में रहा, फिर मैं हाई स्कूल में आया। लेकिन मेरे पिताजी मुझे किसी ट्यूशन क्लास में नहीं भेजते थे। उनका कहना था कि ट्यूशन में जाके पढ़ने से आप आलसी हो जाते हो, आप पूरी किताबें पढ़ना बंद कर देते हो। वो कोई गाइड का इस्तेमाल नहीं करने देते थे, वो कहते थे आपको किताबें पढ़नी है और उससे सीखना है। ये सारी स्थितियां उन्होंने हमारे दिमाग में डाल के रखी थी, वो सारी जो बात आदर्श टाइप की बात होती है ना, वो डाल के रखा हुआ था। तो मैं ट्यूशन क्लास नहीं गया, अगर जाता तो उस बंदी के साथ में रोज बैठ के शायद कोई सीन बन सकता था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मुझे वो शॉर्टकट्स की आदत नहीं पड़ी। लेकिन पैसों के मामले में बात करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। मैं इतना बड़ा वाला मूंजी था, शायद आज भी हूं, कि मैं अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो किसी चीज पे एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, और अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं शायद गिनती ना करूं। लेकिन कई मामलों में मैं आज भी बहुत मितव्ययी हूं, ये तमीज की भाषा में कहा जाए, और बदतमीजी से कहा जाए तो मैं बड़ा कंजूस हूं कहा जा सकता है। तो मेरी एक थ्योरी है कि हर एक आदमी की जिंदगी में उसके अलग अलग खांचे होते हैं, उसने कुछ बॉक्सेस बना रखे होते हैं। किसी बॉक्स में वो बहुत सारा पैसा डालना चाहता है, किसी बॉक्स में पैसा नहीं डालना चाहता है। तो मैं जहां जहां देखता हूँ ना अपने आसपास के लोगों को, तो ऐसा पता लगता है कि कोई आदमी खाने में कंजूसी नहीं करता लेकिन पहनने में करता है, कोई आदमी खाने पहनने में कंजूसी नहीं करता तो किताब खरीदने में उसकी जान निकल जाती है। तो सबके अपने अपने हिस्से हैं जहाँ पे वो डिफेंसिव है, सबके अपने अपने कोई ऐसे फील्ड है जहाँ पे वो एग्रेसिव है। तो ये चीजें ऐसे काम करती है। तो क्या हुआ कि मैं एक, जैसे कहीं पे कोई एक दिग्दर्शिका या क्वेश्चन बैंक जैसी चीज आती है और वो 20 रुपए की मिलती थी, तो मैं उसको खरीदने के बजाय उसको कॉपी में पूरा नोट कर लेता था। ये मेरे खेल थे, मतलब मुझे जो ऐसा होता था डिबेट हो, ऐसे वगैरह हो, पढ़ना लिखना ये सब वाली बातों में तो मैं मास्टर था। वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन 100 मीटर की रेस में जो सबसे आखिरी बच्चा था, जो आधी रेस में ही थक जाएगा, वो मैं था। क्रिकेट खेलने के मामले में जो बैटिंग वेटिंग ठीक कर लेता था, बाकी फील्डिंग बेकार, बॉलिंग में स्पिन से काम चल जाता था। बैडमिंटन मुझे ठीक ठाक लगता था, पर खेलों में मैं ज्यादा आगे नहीं गया। तो ऐसा होता है आपकी पर्सनालिटी में, आप किसी एक हिस्से पे ज्यादा वजन दे रहे होते हो, दूसरे हिस्से पे आपका ध्यान नहीं होता है, तो उसमें आप कमजोर रह जाते हो। स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में होना चाहिए, ये मैं अभी आपसे कहता हूं, क्योंकि वो एक चीज थी जो होती तो शायद चीजें बेहतर होती, या फिर मैं नहीं जानता कि कौन सी रेसिपी, कौन से मसाले कौन से रेसिपी में डालने हैं, किस में नहीं डालने हैं, ये ऊपर वाले का प्लान हो। तो कुछ चीजों में मैं खास तौर से कमजोर रहा और उस कमजोरी ने मुझे कहीं ताकत दी, ये भी एक कहानी बनी है, हम आगे बात करेंगे। तो क्या हुआ, 10th में वहां मैंने रैंक किया और फिर मुझे
एक टेस्ट देने को मिला पीपीटी, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट में, मैं गया ये सोच के कि चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं, बाकी तो मुझे इंजीनियरिंग टेस्ट देना था और मैं इंजीनियर बनूंगा, ये सब बात हो रही थी। लेकिन मैं प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट में सेलेक्ट हो गया और हमारे किसी रिलेटिव ने आके कहा कि आगे का क्या भरोसा, कहीं बच्चे भटक भटक जाएंगे तो अभी भी बाहर निकल सकता है, भेज दो। तो 14 साल की उम्र में मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में चला गया और वहाँ जैसे ही मैं बड़ी दुनिया में आया मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। मैं जो नंबर वन रैंकर की ओहदे पे था वहाँ से एकदम आम आदमी बन गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनका दिमाग दौड़ता था हमसे कहीं ज़्यादा ही। तो वहाँ ये वाली स्थिति बन गई कि धीरे 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 हमने वहाँ अपनी पहचान ढूंढ रहे। पहली बार एक आध बार मेरा सब्जेक्ट भी रुक गया था क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज हुआ सब कुछ और एकदम नई दुनिया। तो नई दुनिया में ऐसे अंदर का मेरा आदमी खिल रहा था 14 साल की उम्र में। उसने पहली बार बाहर होटल में खाना वाना खाना सीखा, कपड़े वपड़े पहनना सीखे अलग तरीके से, रैगिंग का डर था दिमाग में, लेकिन मैं इतना छोटा था साइज में कि सीनियर्स को मुझे मारने की इच्छा भी नहीं होती थी, 14 साल का मैं था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी चल रही है, दोस्तों के साथ मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ। धीरे 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 मैं उनके बीच में पॉपुलर हो गया और मस्ती करता था वहाँ अपने बच्चों वाली, मेरी एक अलग तरह की जगह बनी हुई थी क्लास में। फर्स्ट ईयर में तो बहुत अलग तरह की चीज़ रही, मतलब आप हर चीज़ नए होने का एंजॉय कर रहे थे उसको। फिर सेकेंड ईयर में जब मैं थोड़ा अकेला पड़ गया, मेरा अफेयर वफेयर भी जो एक छोटा सा डेवलप हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, वो खैर खास फर्क नहीं डालता था उस उम्र में। फिर सेकेंड ईयर में उसके साथ मैंने ट्वेल्थ भी अटेम्प्ट की, तो इधर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चल रहा है उधर ट्वेल्थ भी मैं अटेम्प्ट करके उसको मैं क्लियर किया। फिर फाइनल ईयर आ गया तो वहाँ से आप थोड़ी अलग अलग चीज़ें सोचने लगे, आपको लगा कि मैं इंजीनियरिंग टेस्ट ले लूँ या ट्रांसफर कोर्स से इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊँगा, वहाँ चीज़ें करूँगा। और एकदम भटका हुआ दिमाग रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। हर दिन ऐसा होता था कि अच्छा लो ये करेंगे, सुबह बुखार चढ़ता था, शाम तक बुखार बढ़ता था और अगली सुबह उतर जाता था, फिर एक दो दिन नॉर्मल रहते थे, फिर कोई और बुखार चढ़ जाता था। तो कभी आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, कभी आपको कोई बिजनेस करना था, कभी आपको कोई नौकरी करनी थी, आपको एक मूवी देख लेते थे तो उसके हीरो की तरह बनने की कोशिश करने लगते थे, वो उम्र चल रही थी। और इस उम्र में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, टीनेज याद करो, 15 साल से 20 साल की उम्र में जैसे ही आप घर में अकेले होते हो या आप कोई अकेले कमरे में आपको बंद कर देता है तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता था, तो वो सारे ख्याल साथ में चलते रहते थे। मेरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा हुआ कि एक तरफ तो मैं हो सकता है कि कोई बाल निर्माण की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ या आदर्श सीख रहा हूँ, विवेकानंदा की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, वो आदर्श सीख रहा हूँ, और साथ में चल रही है एक अलग तरह की सेक्शुअल फैंटेसी दिमाग में, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। और मुझे लगता है कि उस गिल्ट में आदमी बिल्कुल दबा फंसा सा रहता है और सबसे बात करते करते पता लगता है यार सबके साथ वही प्रॉब्लम चलती है, तो हम उसको एक नॉर्मल चीज़ मान के और चलने लगते हैं। तब एक दोस्त मुझे मिला और मैंने उससे पूछा, यार ये तेरे को प्रॉब्लम नहीं होती क्या टीनेज वाली, तो बोले नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं करता ये सब। बोले कितने दिन, बोले दो दो महीने हो जाते हैं। तो वाओ, एक आदमी आपको ऐसा झूठ भी बोल दे या एक जिंदा इंसान ऐसा मिल जाए कि जिसने कहा कि मैंने कुछ कर लिया है और वो हो गया है, तो आप भी वो काम करने की ताकत जुटा लेते हैं। तो चीज़ें ऐसे काम करती है। मेरी कहानी में मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बात करता हूँ जो थोड़ी बोल्ड या अलग अजीब लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गांधी जी की आत्मकथा पढ़ के कि उसमें से अगर तीन किस्से हटा लो आप, चोरी के, वेश्या के पास जाने के या झूठ बोलने के, तो उस कहानी का सारा असर खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी लोग अपनी कहानी सुनाते हैं तो बाद में उसको धो पोछ के इतना उजला बना देते हैं कि वो लोगों को प्रभावित करती है लेकिन मदद नहीं करती। वो झूठा इंप्रेशन लोगों को और ज़्यादा डिप्रेस कर देता है क्योंकि उनको लगता है कि लोग तो ऐसे पैदा हुए हैं जो कभी गलती करते ही नहीं, जिन्होंने गलती कभी की नहीं। और मैं यहाँ क्या बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एक बच्चा जिसके दिमाग में जो भी ख्याल आया होगा, अपनी सेक्शुअलिटी का ख्याल आया हो या फिर वो
क्लास बंक करके थिएटर में गया हो या फिर उसने सिगरेट पी हो, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने कोई गुनाह कर लिया और मैं बुरा आदमी हूं, मैं अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, कोई आदमी जिसने आगे चल के अपने को इवॉल्व करके अपनी जिंदगी के हायर मीनिंग्स पाए हैं, उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई मैं एक भटका हुआ, कंफ्यूज्ड, मामूली कमजोर सा इंसान था और मुझ में ये संभावना निकल के आई है, तो सभी में ये संभावना हो सकती है। 15 से 22-25 की उम्र तक इंडियन सोसाइटी में लड़के और लड़कियां सिर्फ एक ही चीज में उलझे रहते हैं। उनको हमेशा बांधा गया है कि भाई लड़का लड़की से बचो, लड़की लड़के से बचो। अब तो सोसाइटी काफी बदल गई है, लेकिन वो जो बंधन रहा है उसकी वजह से अब रिएक्शन आ रहा है। तो रिएक्शन आके दुनिया में हमेशा क्या बात होती है कि जिस चीज के लिए रोका जाता है आप उसी के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। अरे ऐसा क्या है भाई जो आपको नहीं मिलेगा? तो पूरा जवानी की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है वो उधर ही खर्च हो जाती है। तो इसलिए खुल के मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें आप जैसे भी चाहो जज करो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से अपनी कहानी सुनाने निकला हूँ तो मैं इसको ज़्यादा धोना पोंछना ही नहीं चाहता। मैं हर वो बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने मुझे असल में परेशान किया, कन्फ्यूज़ किया। तो फाइनल ईयर तक रैगिंग वैगिंग वाले किस्से भी हो गए, आपने शुरू शुरू में कॉलेज की मस्तियां जो करनी थी कर ली, और उसके बाद थोड़ी गुंडागर्दी का ग्रुप में मैं चला गया। मेरे मेरे ऐसे दोस्त थे जहां मैंने एक नई दुनिया ऐसे देखी कि वहां पे एक कॉलोनी में बहुत सारे रूम्स थे और मैं पहली बार गया और अपने रूम को छोड़ के किसी के रूम में सो गया हूँ, फिर वहां से निकला हूँ दूसरे रूम में चला गया हूँ, फिर वहां रह गया हूँ, वहां मूवी वूवी देख रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। गजब का टाइम था वो, गोल्डन पीरियड की तरह लगता है उस वक्त। तो अगर हम उस नज़रिए से देखते कि अरे यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे हैं हम, लेकिन उस दौर ने बना दिया मुझे। मुझे मेरे पास अलग अलग तरह के दोस्त थे। एक ग्रुप ऐसा था जो गुंडागर्दी में लगा था, जिनकी मारपीट हो जाती थी, पुलिस केस बन जाते थे, वो कोर्ट में पेशे वेशे के लिए जाते थे। दूसरा ग्रुप ऐसा था जो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग थे, जो कहते थे कि भाई यार ऐसी बात मत कर, उसको बुरा लग जाएगा, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे वाले भी लोग थे। और सब लोगों के साथ रहने से मुझे कुछ कुछ खास मिला है। तो मुझे साइकिल चलाना भी टाइम पे नहीं आता था, तो साइकिल चलाना सीखा मैंने वहां 14-15 साल की उम्र में ठीक से। वहां प्रैक्टिस हुई हमारी, हम 4 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, 4 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। उस वक्त स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती थी, उनके पास बहुत कम पॉकेट मनी आता था, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए पैसा होता ही नहीं था। तो हार्डली पॉकेट मनी के हिसाब से हम बात करें तो 100-125 रुपए में हम अपना पॉकेट मनी चला सकते थे। मेरी तो यह हालत थी कि मैं कभी अब मूवी देखने जाता था तो अपना टिकट खरीदता ही नहीं था, वो भले ही 10 रुपये 15 रुपये था, क्योंकि सबसे लोअर क्लास में हम लोग बैठते थे, मेरे दोस्त मेरा टिकट खरीदते थे। बनिए के नाम से मैं फेमस था। लेकिन खास बात क्या हुई कि मेरे पिताजी ने मुझे ये कह रखा था कि बेटा जितना भी तुझे पैसा चाहिए ले ले, लेकिन जो भी तू खर्च करता है उसका हिसाब रख और मुझे बता देना। तो वहां से एक आंसरेबल होने वाली फीलिंग आई, मुझे बताना था कि मैंने क्या किया। तो मेरे दोस्त जो 1500 रुपये में से डबल पैसा मंगाते थे, उनके 20 तारीख तक पैसे खत्म हो जाते थे और 100 रुपया हम उधार देते थे उनको। तो ये जो नींव पड़ी है ना कि हिसाब बाप बेटे का, बख्शीश 1 लाख रुपए की, आपको इनाम देना है 1 लाख रुपया दे देंगे हम, लेकिन हिसाब होना चाहिए। वो हिसाब दूसरों को दिखाने के लिए बाद में होता है, अपने जानने के लिए, अपने को समझने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि पैसों का हिसाब रखो, टाइम का ऑडिट करो, हर चीज का हिसाब रखने से आपको ये बात समझ में आती है कि आखिर क्या हो रहा है। वही तो एक कंपनी की नींव पड़ती है वहां पे, कि आप एक कंपनी को मैनेज करना सीख सकते हैं, उसके फाइनेंस वाला पार्ट कितना बड़ा है, और वो फाइनेंस आप अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कैसे बनेंगे आप बड़े बिजनेस में। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बातें बनती है, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैंने बताया, 17.5 की उम्र होगी कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा खत्म हो रहा था और मैं वही भटका हुआ इंसान था। और सब लोग तो वेल अवेयर होते थे, तो उनको पता होता था कि भाई कहीं कैंपस इंटरव्यू है इंदौर में, कोई कंपनी आ रही है बड़ी। और मैं तो अपने भाई के साथ इंदौर पहुंच गया था और वहां किसी ने कहा कि कैंपस है, तो कैंपस में समझता नहीं था ठीक से कि वो चीज़ क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा आ जाओ, तो भाई मैं भी चला गया, दोस्त जा रहे हैं तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, इंटरव्यू था।
अपन एंजॉय कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में मुझे कुछ खास बोलने को आता नहीं था। एक्चुअली मैं सोचता था, काफी सारा सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन जब आप सोचते हो ना कि इसका कोई खास तरीका होगा, तो आप उस चीज को वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। और वैसा माहौल भी नहीं था उस समय में, यूट्यूब नहीं था हमारे हाथ में कि बार बार हम हर चीज के वीडियो चला के देख लें, फोन भी नहीं थे, मोबाइल फोन उस वक्त तक। तो क्या हुआ कि हम वहां पहुंचे इंटरव्यू में, और ग्रुप डिस्कशन में कहीं से मुझे कुछ ये बात पता थी कि यार कोऑर्डिनेशन भी एक चीज होती है। तो वहाँ कोई टॉपिक उन्होंने दे दिया, टॉपिक में एक आध लाइन में बोलता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ डिस्कशन में, ऐसे बोलता हूँ कि यार ये हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, बोल सुनो सुनो इनको, हाँ अब आप बोलो, यस यस यू कैरी ऑन। या वो कोई देख रहा है वहां से, पता नहीं उनको क्या समझ में आया, तो शॉर्टलिस्ट किया तो हमारे भी नाम था। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने कहा चलो फर्जी हो गया मामला, अब तो नहीं होगा आगे, तो सिलेक्शन वाली बात पे भी बात पहुंच गई कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, क्योंकि अब 3 महीने हो गए इंटरव्यू दे के आ गए हैं। अब शुरू शुरू में तो मैंने उम्मीद रखी कि भाई अब हमारा हो जाएगा, लगता है हो जाएगा, हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि जब आप करीब करीब पहुंच जाते हो ना, तब आप लालची हो जाते हो। तो वो लालची होने लगा मैं, अब मैंने घर वालों को सुना दिया, भाई भाई को, मेरे दोस्त को, अब वो रोज मेरे मजे ले रहे हैं कि भैया क्या बात है, तेरा तो जॉब लगने वाला था ना, क्या हुआ, 2 महीने हो गए, वो बराबर हंस रहे हैं मेरे पे, हर दूसरे तीसरे दिन हंसी उड़ा रहे हैं। और उसके बाद मैं अपनी जगह पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। तो मैं मुझे क्या होता था, ऐसे बिजनेस आइडियाज आते थे, तो बिजनेस आइडियाज में अपने को लगता था सबसे पहले एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो उसको लगता है कोचिंग क्लास खोल देता हूँ। तो हमने कोचिंग क्लास खोलने का मन बनाया, और एक कोई टूटी टेबल थी उस पर लिख दिया हमने कोचिंग क्लास का कोई सा भी नाम सोच के, और पेम्पलेट छपवाने के लिए पहुंच गए कि पेम्पलेट छप जाते हैं 1,000, वो 200 रुपये में छप जाएंगे, वो मैं बांट दूंगा, 100 रुपये महीना मेरी फीस रहेगी। अब रात को सो रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि यार 1,000 बांटे हैं मैंने पेम्पलेट, तो मतलब 1,000 में से 1,000 तो छोड़ो, उनको तो मालूम नहीं रहेगा कुछ, समझो कि 500 लोगों ने भी पढ़ लिया, तो उसमें से भाई 100 लोग तो आ जाएंगे मेरे पास, तो उस हिसाब से मेरे पास 10,000 रुपया महीना आ जाएगा। ऐसा सोच रहा हूँ, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, शेख चिल्ली बने पड़े हैं। और जब वो पेम्पलेट बढ़ गए पेपर के साथ में, अब हम बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोई मक्खी भी नहीं भटक रही, कोई नहीं आ रहा भाई। तब हमको पता लगा कि भाई ऐसे पेम्पलेट बांट के 100 में से 500 इंक्वायरी नहीं आती, 1,000 में से 500 इंक्वायरी नहीं आती, 500 में से 50 भी नहीं आती, 50 नहीं भैया 2 लोग आ जाएं तो पता लगे कि वो सच में बांटे हैं, किसी ने फेंक तो नहीं दिया कहीं, इस तरह की स्थिति बन रही थी। और ऐसे में अचानक मेरे पास फोन आया और एसआर स्टील से अपने पास बुलावा आ गया, अब हमको ज्वाइन करने के लिए जाना है। ओहो, एक रात में एकदम लूजर से एकदम सुपर हीरो बन जाता है इंसान। अब ज्वाइन करने के लिए जाना है, हम तैयारी कर रहे हैं, अब यकीन नहीं हो रहा, और ज्यादा उम्र इतनी छोटी है कि समझ में नहीं आ रहा है जॉब वॉब होता क्या है, करियर क्या चीज होती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कई बार हमारे यहाँ पे ये वाली बात चलती रहती है कि अरे 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 ये साल खराब हो जाएगा, वो साल खराब हो जाएगा, लेकिन समय से पहले कहीं पहुंच जाओ ना तो और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये जो वक्त बर्बाद हो रहा है, और चलो भागो 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 कहीं पीछे नहीं रह जाओ, ये सब चीजों के बारे में मैं आगे कहानी सुनाऊंगा कि दुनिया में इस फालतू डर से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। और यही चीज हो सकता है कि आपको और ज्यादा लेट कर सकती है। तो दोस्तों फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे हम ज्वाइनिंग के लिए पहुँचे, और ज्वाइनिंग में जब जॉब ज्वाइन करने पहुँचे तो हमारा क्या अनुभव रहा, क्या हमने सीखा जॉब वगैरह में, क्या हमारी सोच रही, वो सब आपको देखने को सुनने को मिलेगा। आपको एक कहानी कैसी लग रही है, कहीं मैं ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहा, आप आगे सुनना चाहते हैं क्या चीज़ें, सुनना चाहते हैं क्या चीज़ें, नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं ईमानदारी से जो मुझे ज़रूरी लगता है वो बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके सुझावों को बिल्कुल ख्याल में रखूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।